अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल की बढ़िया, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। आप इसको एक साल तक आराम से रख सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 कप यानी कि 400 ग्राम चने की दाल है। हमने इसको पूरी दाल रात के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब हमने इसको 4 से 5 पानी से, जब तक बिल्कुल साफ पानी साइड में निकल नहीं आया है, तो हमने इसको धोया है। धोने के बाद आप देखेंगे, एक प्लेट ले लें, उस पर छन्नी रख लें, कोई भी छन्नी रख सकते हैं। हमारे पास मिक्सी ग्राइंडर है, छोटा ही है, इसलिए हम इसको हाफ हाफ करके पीसेंगे 200 ग्राम। तो पहले हम इसको थोड़ी सी देर के लिए छन्नी में छोड़ेंगे, ताकि इसके अंदर पानी ना कि बराबर ही जाए या फिर सिर्फ हमारे दाल में नमी रह जाए और पानी ना जाए। तो हम इसको इस तरीके से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो इसका एक्स्ट्रा पानी इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको इसके अंदर डाल के पीसते हैं, थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे। हम ये 2 तरीके की बनाएंगे। चने की दाल की जो बढ़िया होती हैं, बिल्कुल सादी जो होती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। किसी भी ग्रेवी के साथ आप उसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और हम आपको आगे बताने भी वाले हैं। तो ये देखें, इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें से बाहर आ गया है। इसको साइड कर देते हैं और रखा रहने दें। ये तो हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी ही हमने हटा लिया है, तो कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए तो छोड़ ही दें। तो हम इसको दर दरा सा करके पीसेंगे और 2 दफा में पीस लेते हैं और इसी वाले बाउल में निकाल लेते हैं और फिर दिखाते हैं हम आपको। सादी वाली दाल पीस ली है, निकाल भी ली है। अब क्या करते हैं, हम आपको ये बता दें, हम अदरक ले रहे थे, ये हमारी फ्रिज में रखी हुई है, कम से कम 2 महीने हो गए हैं। इस तरीके से आप ये अदरक स्टोर कर सकते हैं। हमने ये तो बता दिया था कि आपको स्टोर कैसे करनी है, हमने इसका यूज नहीं बताया था। हमने सोचा था हम आगे बता देंगे, अभी ये जमी हुई ही ये है। तो इस तरीके से आप इसको खुरच के भी छील सकते हैं। ये देखें, अभी ये ठीक है तो ये आसानी से छिल जाएगी। ये देखें, इस तरीके से आसानी से आप इसको छील सकते हैं। जितना बड़ा पीस चाहिए उतना ही छील लें आप, लेकिन हाँ, स्टोर आपको ये छिलके वाली ही करनी है। तो जितना बड़ा पीस लेना है इतना बड़ा आप इसको ठीक ही छील लें। हमने इसी तरीके से छील लिया है और हमने इसको कट भी कर लिया है। तो सबसे पहले ये डाल देते हैं ग्राइंडर के अंदर नीचे और ये फ्रिज हम वापस ये फ्रीजर में रख देते हैं। तो ये 2 महीने हो गए हैं, आप इस तरीके से 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम निकाल रहे थे, हमने सोचा आपको बता दें। तो इसमें हम डाल देते हैं, ये देखें, फ्रेश ग्रीन चिली जो रेड हो जाती हैं, ये हम डाल देते हैं। थोड़ी मोटी मोटी सी ही एक डाल दी, एक ही हम इसमें ग्रीन डाल देते हैं। ये आपके पास नहीं है तो इसकी ये रेड चिली, तो इसकी जगह आप कुटी हुई रेड चिली ले सकते हैं। हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून के करीब साबुत धनिया और इसमें जाएगा ये गरम मसाला पाउडर। अब हम ये चने की दाल हम सादी वाली बनाई थी, अब हम इसको पीसते हैं और मसाले वाली बनाते हैं। आपकी चने की दाल कोई ब्लेंडर में प्रॉब्लम है या फिर नहीं पीस रहा है तो आप 2 टेबल स्पून पानी डाल के पीस सकते हैं, क्योंकि धूप में तो सूखना ही है तो वो सूख जाएगा, आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने बता दिया है। ये मसाले वाली भी हमने पीस ली है। पीसने के बाद आपके पास वक्त है तो आप इसको छोड़ सकते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसमें हल्का सा एक ही डायरेक्शन में चम्मच घुमाएंगे तो ये एकदम फ्लफी हो जाएगी 2 से 2.5 या फिर 3 मिनट में, गर्मियों के मौसम में, और गर्मियों में ही ये तैयार होती हैं। और आपके पास वक्त नहीं है तो हमारी तरह हैंड टू हैंड भी आप लेंगे, इसको यूं घुमाते जाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको घुमाएंगे। अभी ये कैसी बिखरी बिखरी सी है ये देखें, जैसे ही हम इसको घुमाएंगे अच्छे से ये जुड़ी जुड़ी सी और थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, दिखाते हैं आपको। ये हमने दोनों दालें फेंट ली हैं, ये देखें कितना ज्यादा हो गई है और ये इस तरीके से एकदम चिकनी सी भी हो गई है, जो फटी फटी दाल थी आप देख सकते हैं। इस तरीके की एक ट्रे ले लें, हमने इसको ग्रीस कर लिया है, सरसों के तेल से ग्रीस किया है। एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें ये उंगलियां भिगो लें सिर्फ, और इसमें से हम तोड़ते हैं छोटी छोटी बड़ियाँ, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी तोड़ लेंगे तो हमें पकाते समय भी वो तोड़नी पड़ती हैं। तो सबसे बढ़िया है कि हम ये छोटी छोटी सी ही बना लें, बस हम ये इतनी बड़ी बड़ी बनाएंगे। देखते हैं इसमें नहीं आएंगी तो किसी और चीज़ पे भी इसी तरीके से ऑयल लगाएंगे और हम ये सब तैयार कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं। वाली भी तोड़ ली है और ये हल्के मसाले वाली भी 2 से 3 दिन की धूप लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको।
ये हमारी चने की दाल की बढ़िया बनके तैयार हैं। हमने सोचा था ये 3 दिन में सूखेंगी, लेकिन ये 2 ही दिन में बनके तैयार हो गई हैं। और आप इसको मई जून के महीने में या फिर अभी अप्रैल है, अप्रैल में भी इसको आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत तेज धूप चाहिए होती है। कम धूप होगी तो जितना चमकीला कलर आ रहा है ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ब्लैक डॉट्स से आ जाएंगे, जो कि देखने में भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो चने की दाल की बढ़िया सादी वाली या फिर मसाले वाली तो इस तरीके से हमारे तरीके से बनाकर रखें। इससे आपको आगे डिशेज मिलने वाली है, जायका दिल्ली 6 पर कई तरीके की डिशेज बनाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं एकदम से, ये आवाज सुन सकते हैं इतनी करारी, और आराम से आप यूं तोड़ें और ये इस तरीके से चूरा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बढ़िया होती हैं। या हल्की सी रोस्ट करके बनाई जाती हैं, ये कई सब्जियों के साथ या फिर ग्रेवी के साथ या फिर शोरबे वाली भी बनाई जाती हैं। और ये पनीर और मटर के साथ भी, या फिर इसको आप अरवी के साथ भी बना सकते हैं, इसको आप पालक के साथ भी बना सकते हैं, मेथी के साथ, तो इसके कहने ही क्या हैं। तो हम इसकी कई डिशेज आपको देने वाले हैं अपने दूसरे चैनल जायका दिल्ली 6 पर। तो फिर हाजिर आप ये अपनी बढ़िया बना के जरूर से रखें, एक एयर टाइट डब्बे के अंदर रख दें, और जो हमारी होममेड नीम की गोलियां हैं वो डालें, या फिर इसके अंदर एक इतना बड़ा फिटकरी का या फिर साबुत नमक का डब्बा, डब्बे के अंदर एक इतना बड़ा पीस साबुत डाल दें, या फिर हो सके तो 1 टीस्पून डब्बे के अंदर पिसा हुआ नमक डाल दें, उससे भी आप इसको आराम से रख सकते हैं। ज्यादा समय के लिए रखना है तो आप इसको एयर टाइट डब्बे में या फिर जिपर में, फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं। तो जरूर बनाएं, डिश को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमसे जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों से भी कराएं और हमारी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।